अजमेर मेडिकल कॉलेज के बाहर संविदा कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान संविदा कर्मियों ने बताया कि सरकार ने 28 अप्रैल को ANM JNM के 9000 पदों पर नियुक्ति दी है, जिसमें नियुक्ति के आदेश की गाइडलाइन के अनुसार फ्रेशर नर्सिंग कर्मियों को 7 दिवस का टाइम दिया गया है, लेकिन UTB में संविदा पर कार्यरत लोगों को ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है। ऐसे में फ्रेशर नर्सिंग कर्मियों के ज्वाइन करने से और संविदा पर कार्यरत नर्सिंग कर्मियों को ज्वाइन नहीं करवाने से परिवीक्षा कालीन अवधि कब से शुरू हो, इसको लेकर भय बना हुआ है। ऐसे में प्रदेश के सभी नर्सिंग कर्मियों ने इस मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मामला नर्सेज भर्ती 2018 का है, जो काफी वर्षों से लंबित थी, जिसे लेकर राज्य सरकार ने दिनांक 28/4/2020 को चयन सूची जारी की, लेकिन जिसमें 12,000 चयनित कर्मचारी थे, 12,000 चयनित कर्मचारियों में से 3,500 को न्यायालय के अध्याधीन रखते हुए 9,000 कर्मचारियों को नियुक्ति दी, जिसमें लगभग 7,000 संविदा कर्मचारियों को आज दिनांक तक प्रदेश में कहीं भी मुख्यालयों पर ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। वार्ता करने पर संबंधित अधिकारियों द्वारा सिर्फ कोरे आश्वासन दिए जा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई भी विभागीय गाइडलाइन आज दिनांक तक जारी नहीं की गई है, जिससे राजस्थान के समस्त संविदा कर्मचारी अपने नियमितीकरण को लेकर भय और रोष की स्थिति